तो अपन नेशनल इंटरनेशनल इंडेक्स की बात कर लेते हैं, सही चल रही है? तो उसका स्पेशली आज जो अपन इंडेक्स की बात कर लेते हैं जो 2024 के अंदर है। और इसके अंदर खास चीज यही है कि सारे जितने इंडेक्स है उसमें से एक क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। अब जो आने वाला क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए, बस क्या आने वाला है। किसी भी इंडेक्स का जो होता है उस टाइम यानी कि उस ईयर उसका यानी कि इंडिया की उसकी पोजीशन, उसके अपने आसपास के कंट्री की पोजीशन, टॉप और लोअर, ये आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या चीजें रखी गई है, किसके कारण से बनाया गया है और कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है, ठीक है, या कोई भी एनजीओ है या किसी ने जिसने बनाया उसका नहीं, जहां से बनी है, पहली बार कब बनी थी, ये चीजें देखनी होती है उससे। और अगर उससे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या कहीं पे वो यूज हो रही है, पूरी की पूरी वैसे तो काफी पूरी रिपोर्ट होती है, उसमें से खास खास चीजें देखनी होती है। उसमें से उसको देखने का रीजन ये है, क्वेश्चन आता है इसलिए कि जो रिपोर्ट्स हैं यानी कि जो इंडेक्सेस बना रखे हैं वो कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए है, यानी कि हम उन इंडेक्स को देखते हुए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है ना। तो वही स्टूडेंट्स को समझाया जाता है कि पॉलिसीज जो बन रही है या जो वर्क हो रहा है वो उनके अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे नई नई चीजें आती रहती, जैसे अभी साइबर क्राइम के इंडेक्स बना, ठीक है, पहले नहीं, अब उसकी जरूरत पड़ी है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड में कम कहाँ कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, ठीक है ना। फिर वहां ये देखा जाता है जगह कहाँ कहाँ कम है तो वहां पे कम क्यों है, ठीक है, इस चीज को देखते हैं। तो वो पॉलिसीज बनाने के अंदर हेल्पफुल होती है। तो हमारे पास में अब कुछ अपन बातचीत कर रहे हैं, जो थोड़ा सा चलाऊंगा, ज्यादा नहीं चलाऊंगा एसी, ठीक है ना, थोड़ा सा, क्योंकि जब इधर उधर हुआ तो थोड़ा पसीना आने लग गया था। जैसे WHO हेल्थ का बताता है वैसे हाँ, होते वो हैं। ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है ना, तो उस जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वर्क किया है उसके ऊपर वो सपोर्ट देती है। रिपोर्ट में आपकी पोजीशन बताती है वो किस कंट्री की, वो इंडेक्स हो जाता है, होती वो रिपोर्ट है। मतलब पूरी करेक्ट होती है एकदम तो। पूरी करेक्ट ही होती, जितना डाटा उनके पास होता है, मैक्सिमम डाटा उठाते हैं वो। कि मैंने देखा था भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया उस पे इंडिया क्वेश्चन करता है कि नहीं, वो तो भाई जो जहां सबसे पे फास्ट है। वो जो जैसे हंगर वाला है, अगर वो उसके ऊपर बनाएंगे कि आपने अगर हंगरी नहीं है तो इतने इतना फंडिंग क्यों कर रहे हो, वो यही कहेगा उनके हिसाब से। तो जो हमारी जो पॉलिसीज बनती है वो उसके अकॉर्डिंग बनती है, या उनको जरूरत है तब बनेगी। अगर आप इतने भूखे नहीं हो, ठीक है ना, तो आपको देने की कहाँ जरूरत है। जो भी अभी रिकॉर्ड मेरा वो रीड तो नहीं किया हुआ, कितने करोड़ का है, करीब 80 करोड़ लोग हैं उसके अंदर शामिल हैं, तो इतने लोगों को अगर आप दे रहे हो, ठीक है ना, करेक्ट डाटा तो नहीं है, मैं तो वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। राशन वाला वो कितना क्या राशन वाले के अंदर, ठीक है ना, तो जितना दे रहे हो तो उतनी जरूरत है तभी दे रहे हो ना। तो ऐसे भाई किसी को जरूरत नहीं है तो आप नहीं दोगे, तो वो उस चीज को, अब जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था कोविड के टाइम में, अब उसी को कंटिन्यू चला दिया उन्होंने, चलाने की जरूरत क्या। क्वेश्चन करते हैं ये डाटा गलत है नहीं, जो हमारे लिए हमको जो रैंक नीचे दे रहा है तो उसका डाटा वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि डाटा गलत है। डाटा जो उन्होंने जो जो पूरी रिपोर्ट है इनके क्राइटेरिया के हिसाब से। उनके क्राइटेरिया के हिसाब से जो रिपोर्ट है, जैसे आज आप एप्पल मोबाइल लेते हो, सैमसंग मोबाइल लेते हो या कोई दूसरा मोबाइल लेते हो, अब रिपोर्ट आती है कि एप्पल की क्वालिटी है, ठीक है ना, तो आप बोलोगे, ठीक है ना, सैमसंग की क्वालिटी उससे डाउन है तो आप उसको थोड़ा सा। लेकिन अगर आप देखोगे तो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो स्क्रीन बनती है वो सैमसंग ही बनाती है, वो एप्पल भी उसी से लेता है, ठीक है ना। तो जो क्राइटेरिया है वो जो पब्लिक क्राइटेरिया होता है उसके ऊपर रहती है बात, ठीक है ना। वो जो रिपोर्ट्स आती हैं, अब वो महंगा इसलिए वो रिपोर्ट उसकी हाई है कि महंगा है
लेकिन लोग उसको पसंद करते हैं खरीदना, अगर उसके पास जेब में अगर 1 लाख रुपया है तो वो खरीदना चाहेगा, जबकि वो फोन पे ही बात करेगा उससे और कुछ नहीं करना उसको, ठीक है ना। लेकिन वो उसको लेना चाहेगा, लेने की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो फर्क डालती है स्पेशली, ठीक है ना। किसी चीज की क्या वैल्यू बनती है वो उसकी रिक्वायरमेंट जो के हिसाब से नहीं होती, उसकी पब्लिक के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है। जूता प्यूमा का ही वही होता है, क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन दूसरे की जो 1,000 का या 1,500 वो इतना गिरा हुआ नहीं है, ठीक है ना, जितना प्यूमा चढ़ा हुआ है। 19-20 का डिफरेंस होगा, ठीक है ना, लेकिन उसकी लोगों की मार्किंग की वैल्यू उतनी ज्यादा है कि लोग उसको लेंगे। ये जो क्राइटेरिया होता है ना उसको इंडेक्स कहते हैं, स्पेशली हम की पब्लिक के अंदर जो डिमांड है या रिपोर्ट्स हैं इस हिसाब से वो इंडेक्स बनते हैं। जैसे अपने पहला आ रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट है। अब पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट का मतलब ये है किस किस देश के अंदर, कंट्रीज के अंदर पासपोर्ट की जरूरत है, और कई जैसे वीजा की जरूरत होती है, कौन कौन सी कंट्री ऐसी कंट्री हैं जहां पर बिना वीजा के आप जा सकते हैं। या जैसे इंडिया है, इंडिया कितनी कंट्रीज को बिना वीजा के अपने पास आने देगा, ठीक है ना। अगर कोई कंट्री है जिसको सभी देश चाहते हैं कि वहां से कोई भी बंदा आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है ना। और जहां से मिनिमम चाहेगा कि यहां से कोई मेरे पास नहीं आए, तो एज औकात होगी ना कि उस कंट्री का आदमी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो कुछ कंट्रीज ने वीजा सिस्टम लगा रखा है कि आप पहले चेकिंग होगी आपकी तभी आप आ सकते हो। कई कंट्री ऐसी हैं जिनके लिए छूट रहती है कि आप आ जाओ। ओके, तो अब ये देखना होता है कि हमारे हमको कितनी कंट्रीज पास देती है। जब भी आप अपन बहुत विश्व गुरु हैं स्पेशली, कहीं भी अप्लाई जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमें कोई कोई बुला रहा है या नहीं बुला रहा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमको लेक्चर के लिए कोई भी कंट्री परमिशन दे देगी, सारी कंट्री परमिशन देगी, यहां से कोई भी बंदा अगर मेरे को लेक्चर दे तो हम विश्व गुरु हो जाएंगे उस दिन। लेकिन अभी ये कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दूसरी कंट्री वाला कहेगा इसका वीजा देख ले, ठीक है ना। तो ये जो चीज है इसको अब यहां पे इन्होंने कहा कि पासपोर्ट हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स है ये 2024 के अंदर, उसके अंदर इंडिया 82 रैंक पे है, ठीक है ना। अब यहां पे अपन देखते हैं, अब 82 रैंक है जो इसकी, ठीक है ना, इंडिया पासपोर्ट। अब देखो इसके अंदर अपन ये कौन कौन सी है, लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड द रेजिडेंसी एडवाइजरी फर्म है ये, स्पेशली हेनरी एंड पार्टनर की, ठीक है ना, जो पूरे पूरा एरिया कवर करती है, किस किस कंट्री के अंदर वो पूरा डाटा ले रही है। अब वहां पर क्या होता है कि अब इन्होंने जो पूरी लिस्ट बनाई है एज ए पर द ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से, इन्होंने पूरी लिस्ट जो बनाई है वो वीजा फ्री 195 कंट्री के अंदर। अब यहां पर सिंगापुर जो है वो टॉप लिस्ट के अंदर है, सिंगापुर के अंदर 195 के अंदर वीजा फ्री एरिया है, वो कोई भी वहां जा सकता वहां का बंदा कहीं जा सकता है, है, सिंगापुर चार में कंट्री जा सकता है ज्यादा। वहां का बंदा, ठीक है ना। और हमें क्या मिला हुआ है, इंडिया पासपोर्ट के अंदर अपन 82 रैंक के ऊपर इंडेक्स है, तो वीजा फ्री जो एरिया है एंट्री है वो 58 कंट्री के अंदर ही हमें परमिशन है, ठीक है ना। अब ये जो पूरी पूरा जो एरिया है, द इंडेक्स इज द रिलीज फॉर द 103 एक कंट्री, सौ तीन में सब ये रैंक 82 पे है। 82 पे अपन, ठीक है ना। ऐसे तो ये अबाउट द हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स की अगर अपन बात करते हैं, ये ऑथोरिटेटिव रैंकिंग होती है, देखो पूरी ऑथोरिटेटिव रैंकिंग ऑफ द ऑल द वर्ल्ड पासपोर्ट अकाउंटिंग,
ठीक है ना। अब ये कहाँ से लेती है, अब इसके समझने की बात है। ये स्टार्टिंग इसने किया था 2006 से, ठीक है ना, हेनरी एंड द पार्टनर वीजा रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स, ठीक है ना। द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूसिवली डाटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, यहां से ले रहा है, ठीक है। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एक्यूरेट ट्रेवल ट्रेवल्स इंफॉर्मेशन डाटा बेस, ठीक है ना। एंड द एनहेंस बाय द हेनरी एंड पार्टनर रिसर्च टीम, उनकी रिसर्च टीम है पूरी पूरी उन, और लंदन बेस्ड एडवाइज फर्म है ये पूरा उस डाटा को तैयार करती है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको हर एक पॉइंट को देखते हुए बात करनी है। द इंडेक्स इंक्लूड द 199 डिफरेंट पासपोर्ट एंड द 227 डिफरेंट ट्रेवल डेस्टिनेशन को इन्होंने यूज किया, ठीक है ना। द नंबर ऑफ कंट्री दैट द स्पेसिफिक पासपोर्ट कैन बी एसेस द बिकम द वीजा फ्री स्कोर, वो स्कोर है वीजा फ्री का। सिंपल सी चीज है, अज्यूम द ट्रेवलर एंड द एडल्ट सिटीजन द मीटिंग द बेसिक एंट्री ऑफ द रिक्वायरमेंट ट्रेवलिंग द अलोन फ्रॉम द टूरिज्म एंड द बिजनेस फॉर द शॉर्ट स्टे। अब यहाँ पे डज नॉट कंसिडर किसके लिए है, डिप्लोमेटिक ट्रेवलिंग, अगर डिप्लोमेटिक वैसे मिले वो उसको नहीं शामिल करेंगे, ऐसे नहीं कि तू बाहर मिल के आता जाए, ऐसे नहीं, ठीक है ना। इमरजेंसी एंड टेम्परेरी पासपोर्ट ट्रांजिट स्टे, इनको वो शामिल नहीं करेंगे, ये स्पेशली इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन हो जाता है, बाकी तो सारा है ही, इनको छोड़ के बाकी सबको ओके कर दो। डिप्लोमेटिक ट्रेवलिंग नहीं हो सकती, इमरजेंसी एंड टेम्परेरी पासपोर्ट नहीं हो सकता, ट्रांजिट स्टे नहीं हो सकता, इसके अलावा जो ट्रेवलिंग है ये दूसरे कंट्री में जाने का है उसको वो शामिल कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, समझ गए। अलाउड तो जो आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो उस डाटा के अंदर इन तीनों के लिए अगर कोई आ रहा है उसको शामिल नहीं करेंगे वो। इमरजेंसी कैसे होता होगा, हॉस्पिटल वाली इमरजेंसी, हाँ कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कोई जैसे कोई जैसे कोई कंट्री के अंदर जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे यूक्रेन वगैरह के अंदर आगे लड़ाई होगी तो वो कोई जा रहा है वहां पे उसको शामिल नहीं करेंगे, कितनी ट्रेवलिंग हुई, ऐसे तुम घूमते रहोगे उसके लिए ऐसे, ठीक है ना। इसमें क्लियर की चीज कहाँ है, मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई भी इमरजेंसीज है, स्पेशली पासपोर्ट हम किसी कंट्री में जाते हैं ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, कहीं पे किसी काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर टेम्परेरी पासपोर्ट है कि जाके आना है उसको उसके अंदर शामिल नहीं करते वो, क्योंकि वहां पे जाना होता है। अब कहीं कंट्रीज के अंदर जैसे मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है उसको, लेकिन वहां पे तो था वीजा एरिया था, लेकिन उसको इमरजेंसी थी तो उसको वहां की गवर्नमेंट उसको आने देगी, ठीक है। मेडिकल पासपोर्ट अलग से बनेगा उसका कि भाई ठीक है लेके चले जाओ आप मेडिकल, तो इन और डिप्लोमेसी ट्रेवलिंग है, डिप्लोमेटिक राजनेता घूम रहे हैं वो है। उसको शामिल नहीं करेंगे वो, हाँ वो उसमें नहीं आएंगे, वो तो जहां जहां जो परमिशन है, रुक गया अपना पासपोर्ट एक बार ही मैं लकी कर तो आपका क्या निकला, वो हमारे हाथ से चलेगा।
उसके वो चला गया, बैटरी खत्म हो गई। चलो अब चलते हैं। वो सीधा पता नहीं क्यों नहीं भरता, वो पहली बार था अपने तो। हाँ वो दूसरे उस कैमरे को यूज कर गया, टीम गई ठीक है ना। तो अब इंडिया रैंक इम्प्रूव बाय द टू स्पोर्ट्स फ्रॉम द लास्ट। और पहले तो बताओ मेरे को, हाँ डिप्लोमेटिक टर्म में मोदी जी जा रहे हैं, हाँ जिस कंट्री में फ्री एक्सेस है उधर ये अलाउड नहीं है, तो अगर उसको उधर जाना है तो चेकिंग करानी, वीजा चेक कराना पड़ेगा ऐसे भी। अरे यार जो जो बुला रहा है वो वहाँ पे उसको पहले से चेकिंग है, तभी तो उसको थोड़ा ऐसे आप किसी के अध्यक्ष को थोड़ा रोक दोगे, इसको तो जरूर पकड़ेगा। मैं आम नागरिक हूँ भाई, वो डिप्लोमेटिक है, वो नेता आदमी, उसको कहीं भी जा सकता है, और इसीलिए उसको काउंट नहीं कर रहे, उसको काउंट नहीं कर सकते ना। अब जहाँ पे ब्लॉक है ठीक है ना, इसको वीजा की जरूरत है, लेकिन उनको वीजा की थोड़ी ना जरूरत है। हाँ मीटिंग में वो पहले से डिस्कशन होगी, इमरजेंसी हाँ कंट्री में फ्री अलाउड है ज्यादा वीजा की, हाँ तो इसको अलाउड नहीं करेंगे। वीजा फ्री है तो उसको तो अलाउड है ही है ना इमरजेंसी। अरे ये कहा कह रहा है पासपोर्ट नहीं मिलेगा, ये थोड़ा ना कह रहा है, इंडेक्स बना रहा है वो कि इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं इस डाटा के लिए, इंडेक्स में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इंडेक्स है ना यार, पहले से मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे क्या पता तो वो यहीं पर अटक गया। अरे मैंने स्टार्टिंग इसको यहाँ से किया, इंडेक्स है ये तो मैंने पढ़ लिया, तो पढ़ लिया तो सोच भी तो सही। चल एक तो इसकी कान दिखाओ, एक कान से दिखाओ ठीक है ना, तीसरा नाम ठीक है। तो पहले 84 पे थे, अब अपन 82 पे आ गए ठीक है ना। पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट लाइक द इंडोनेशिया, मालदीव एंड द थाईलैंड आर द अमंग द कंट्री दैट द इंडिया पासपोर्ट होल्डर कैन नाउ द विजिट। इन जगह पे हाँ तो जाते हैं, इसलिए तो पहले सबसे पहले उधर ही जाते हैं। पहले नेपाल और भूटान का था अपने पास, तो नेपाल घूमते थे ज्यादा, तो आजकल उधर जाने लगे ज्यादा ऐसे बा ठीक है। सिंगापुर हैज द क्लेम दैट द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड द मोस्ट फुल पासपोर्ट ऑफरिंग द सिटीजन वाया वीजा फ्री एंट्री टू द 195। ये तो अपन को पता है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड जापान होल्ड द सेकंड स्पॉट ऑफ द 192। ठीक है ना, तो अपन अपने तो कम है ठीक है ना। अब पाकिस्तान है, उसकी 100वीं रैंक है ठीक है ना। अफगानिस्तान ऑक्यूपाई द लास्ट प्लेस। अब अफगानिस्तान को मेंबर को हर जगह आने दे देंगे ना, तो उसको 26 डेस्टिनेशन थी है उसके पास है ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो उस हिसाब से बनाया है, उसके हिसाब से बना हुआ है। अब समझ में आ गया ये थोड़ा सा। हाँ अब ये तो एक वो है ठीक है, हो गया। व्हाट वाज द पोजीशन इंडिया इन द जनरेटिव एआई इनोवेशंस के हिसाब से ठीक है ना, क्या पोजीशन रखता है, फिफ्थ पोजीशन अपने रखते हैं। हाँ सबसे पहले है चाइना है, टॉप है यहाँ पे। ये इनोवेशन के जनरेटिव एआई इनोवेशन का मतलब क्या है, इंडेक्स कैसे बना है ये, यानी कि रैंक कैसे बनी है, कितने पेटेंट करवाए हैं किसी ने ठीक है ना। तो चाइना ने 38,210 पेटेंट करवाए हैं ठीक है ना, इंडिया ने 1,350 करवाए ओनली ठीक है ना। तो चाइना ने इतने सारे पेटेंट करवाए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो ये डाटा जो है ये हर साल का है
हर साल वो इतने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन लगा रहता है कि ये इसके पेटेंट कर दो। उसका है यहाँ तो देखो 2014। अब यहाँ पर नहीं, अपने तो 14-23 तक आ गए, यहाँ तक आ गए अपन, ठीक है ना। अब इन्हें पूरा डाला है, ये जो पूरा डाटा है ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ जितने एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, जितने एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे अपने, अब अगर हम उसको क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी रैंक चेंज हो जाएगी। अब क्रॉस करने के लिए आपके पास में कितना कितना है, यूनाइटेड स्टेट के पास 6,276 है, ठीक है ना, रिपब्लिका के अंदर 4,155 है, जापान के अंदर 3,409 पेटेंट का है, इंडिया के पास इतने पेटेंट है। अब इनको पहले तो इनको क्रॉस करेंगे, 38 तक तो पहुंचने बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत तक हो रहा है। हाँ ठीक है ना, ठीक है। तो जन ए आई यूज द क्या मैकेनिक लर्निंग द क्रिएट द न्यू कंटेंट कंटेंट्स इट द क्रिएट द टेक्स्ट इमेज कोड म्यूजिक द इवन द वीडियो। ये इस अब ये एक ऑप्शन आएगा, सब कुछ के अंदर मत कर लेना, और वो कुछ भी लिख दे, ये वो तेरी इच्छा है, कोड लिख दे ना, कोड मतलब अब टेक्स्ट इमेज कोड म्यूजिक एंड वीडियो, ये पांच के लिए कहा है तो पांच ही आएगा इसके अंदर, बस पांच ही चीजें होती है, बची हुई सारी चीजें वो कोड से तो बनती है, कुछ भी हो उसने लिख दिया तो ये पढ़ लेना भाई मान, ठीक है ना। व्हाट इज द इंडियन रैंक ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये अपन अगर बात करते हैं सबसे पीसफुल हाँ एरिया कौन सा है, रुक जाए खंड, अपन 124th रैंक पे हैं, ठीक है ना, ऐसे तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 हैज द डेक्लाइन लेट्स से कंपेयर द 2023 8 ऑफ द 10 द मोस्ट पीसफुल कंट्रीज इन दिस द इंडेक्स द यूरोपियन, सबसे पीसफुल एरियाज वो हैं, ठीक है। साउथ एशिया द मिडिल ईस्ट एंड द नॉर्थन अफ्रीका आर द लीस्ट द पीसफुल रीजंस, ठीक है ना, ये ग्लोबल पीसफुल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस के अपन बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर यानी कि सबसे पीसफुल एरिया है। तो मैं अपन जो मैं नॉर्मली अपन बात करते हैं कि आज दंगा ये हो गया वो हो गया झगड़ा हो गया इस कास्ट का उसका, वो उसके कारण से हम यहाँ पे हैं, और तो होता क्या है, तो पीसफुल अगर अगर कोई झगड़ा नहीं होगा तो पीसफुल एरिया हाँ, तो वहाँ पे जाने के लिए तभी तो कहता हूँ, अरे भाई तुमको क्या कहा था, अपने इकोलॉजी पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था ना कि क्वालिटी जाती जा रही है, कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, अपन जैसे कोई चीज होती है अपन खेत में घास उगा अपने कुछ उगाया हमने अच्छा फ्रूट्स या अच्छी घास की चीज को हमने दूसरी क्यारी में लगाते गए और हमने वहाँ पे क्यारी हटाया तो है नहीं, अब उस क्यारी के अंदर अगर घास है जो यूजफुल नहीं है तो वहाँ पे कचरा इकट्ठा हो जाएगा ना, तो अब धीरे धीरे हम क्या होगा जैसे जैसे हमारी कंट्री आगे ग्रोथ करेगी, तो क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग 1-1.5 लाख स्टूडेंट या लोग हर साल बदल लेते हैं अपना, तो हर साल 1 लाख लोग तो क्वालिटी वाले चले गए तो 1 रुप एक्स्ट्रा बन गए, ठीक है ना। तो एरिया वही है, मैं तुमको कई बार कहता हूँ इस चीज के अंदर एक एरिया था, ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, ये पूरे लोग थे, ठीक, इसमें कुछ क्वालिटियां थी, अब इसके अंदर से ये क्वालिटी बाहर चली गई, ठीक है ना, फिर कुछ आ गया, फिर उसमें कुछ था, फिर आ गया, फिर कुछ था, तो एक टाइम के अंदर यहां पर वीड्स जो होंगी वो ज्यादा हो जाएंगे, खरपतवार है खपत करेगा तो इसलिए खपत बढ़ती चली जाएगी ऐसे, और फिर एक बार ये होगा कि ये प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा, कंट्री के ऊपर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसलिए मैं तुम लोगों को हमेशा कहता हूं, और आने वाले ऐसा नहीं कि इसको अपन इवोल्यूशन के तौर पे सोचे कि 1 लाख साल बाद में आएगी कंडीशन, ऐसा नहीं है, ये जो कंडीशन जो आएगी वो आपके 30-40 साल के अंदर आ जाएगी केवल, क्योंकि लोगों के अंदर जो एक सेंसिटिविटी थी वो खत्म हो गई, ठीक है, सेंसिटिविटी खत्म है,
और आज एक बार तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो डाइवोर्स के केस वाला एक कॉलम आया है उसके अंदर। डाइवोर्स के केस ज्यादा हो रहे हैं कि मोबाइल के ऊपर रील वगैरह देखने के कारण से ही डाइवोर्स हो रहे हैं। हाँ, तो उसने बता रखा है, ठीक है ना, यानी कि उनके अंदर है ही नहीं। छोड़ नहीं रहे। अब कोई जने, कई जने जो हैं स्पेशली वो जैसे वीडियो बनाना है, जैसे दो तीन केसेज आए हैं उसके अंदर कि अब वीडियो बनाना है। अब वो फैमिली, अब वीडियो बनाओगे तो घर के काम रुक जाएंगे, ठीक है। और ये तो अपन को पता है, ठीक है ना, ये तो अपन को पता है कि वीडियो बनाओगे तो काम तो रुकेगा। अब घर का जो बंदा है, लेडी जैसे, अगर वो वीडियो बना रही है, घर के काम तो होंगे नहीं, ठीक है, तो झगड़े होंगे। अब वो वीडियो को नहीं रुके इसलिए वो डाइवोर्स ले रहे हैं, ठीक उसके बाद पैसा था। है ना। तो अब वो पैसा तो कब तक आएगा या नहीं आएगा उसका नहीं, बात नहीं, उसमें ये नहीं लिखा हुआ तू वापस गलत रास्ते चला गया, ठीक है ना, ठीक है ना। नहीं जिसके नहीं वो भी लड़ रही है भाई। वो नहीं, वो उनकी कंडीशन, मैं तो उसकी नहीं बात कर, यानी कि दोनों के अंदर बीच में अंडरस्टैंडिंग वीक होती जा रही है, ठीक है ना। तो ये एक, कम्युनिकेशन बताओ तो। हाँ, तो जब तक आप बैठोगे नहीं, आप डिस्कशन नहीं करोगे, बात दो तीन बार झगड़ा नहीं करोगे, ठीक है ना, तब तक आपके अंदर ट्यूनिंग ही नहीं बैठ सकती, ठीक है ना। तेरी और उसके साथ में ऐसा नहीं कि तुम हमेशा गले में हार डाल के चलोगे, झिक्की होती है, होएगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि तू उसकी मोटरसाइकिल पीछे बैठना बंद कर देगा, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन अब लोगों के अंदर क्या है कि आप साफ तो हो, ठीक है ना, लेकिन वो पीछे बैठना पसंद नहीं करेगा कि नहीं मेरे को जरूरत ही नहीं, मैं तो अपना नया मोटरसाइकिल खरीद लूंगा, ठीक है ना। तो वो फिर उसके अंदर दोनों अलग अलग रास्ते ही चलेंगे, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा कोई भी एक जना आएगा, जैसे तुम दोनों कई बार साथ चलते हो, ठीक है ना, गप्पे मारते हुए, फ्रेंड्स होते हैं, आदत होती है, दोनों साथ साथ ही जाएंगे। अरे तो बात करनी पहले कर लेता, ठीक है ना। फिर कोई आता है तो एक पीछे हो जाएगा, फिर अगले वाला ब्रेक मारेगा कि वो भी आ जाए, ठीक है ना, ऐसे होता, ठीक है, ऐसे होता। अरे भाई, ठीक है ना, तो वो तो फ्रेंड्स हैं। अब ऐसे कंडीशन फैमिली के अंदर जो हस्बैंड वाइफ है या दूसरे जो भी हैं आजकल, उनके अंदर वो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो चीजें हो रही हैं। अब वो तो हस्बैंड वाइफ का तो केस लिए कि वो अपने आते हैं डाइवोर्स वाले, हर घर के अंदर डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट है वो चाहे फादर बच्चे का है या मदर के साथ बच्चे का है या भाई बहनों के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, उसका असली जो कारण है ना वो ये मोबाइल, क्योंकि इसने पहले टीवी ने जगह रोकी थी, लेकिन टीवी का एक टाइम पीरियड था, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। रात को 2 बजे भी यूं बैठा हुआ आदमी दिख जाएगा। पर्सनली अगर टीवी तो एक ही है घर पर हाँ, सारा ये सब सब का, बैठे अब चलते। रात को ये बैठे बैठे है ना, ये आपको कोई कई जने दिख जाएंगे कि 2 बजे बैठा, कि नींद नहीं आ रही थी इसलिए बैठा। अरे सोने की कोशिश कर। पहले क्या होता था कि उस चीज को यूज करते थे कि बाहर बैठ गए कुछ किया, ठीक है ना। आज अपन खाली हो तो सीधा इसके ऊपर ही स्टार्ट, वो गैपिंग तंग कर रही है स्पेशली। तो इस टाइप से जो अपन जो बात कर रहे थे पीसफुल एरिया, तो अब जब आपके अंदर वो बचेगी नहीं, आप इस जैसे कहते हैं ना कि जैसे सेंसिटिविटी ही नहीं रहेगी, तो फिर पीसफुल एरिया तो क्या झगड़ा ही होगा। फिर जब घर के अंदर झगड़ा है तो सोसाइटी में तो जबरदस्त झगड़ा है, फिर कंट्री में तो और भी कभी झगड़ा है, ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम सारी अभी सभी ऐसे नहीं कि अपनी कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो सभी कंट्री में आ रही है, लेकिन अपनी कंट्री में इसलिए ज्यादा आ रही है कि हमारे यहाँ पे फ्री मेंबर ज्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, फ्री मेंबर ज्यादा है, ऐसे। और कास्ट बेस है हमारे यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कास्ट बेस है, और किसी कंट्री में कास्ट है नहीं, तो उनमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसे प्रॉब्लम उनके अंदर दूसरी है। लेकिन हमारे यहाँ पे जल्दी ही नेट बंद करने पड़ते हैं, गली के अंदर झगड़ा जल्दी आ जाता है, जैसे अगले दिन ही ये आग लगी वो आग लगी छोटी सी चीज पे, ऐसे। तो वो चीज है, ठीक है ना। ग्लोबल पीस इंडेक्स, अब जैसे मैंने ये कुछ बोला, अब ये जो चीज है ये भी है, ये रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ पे ऐसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आज अखबार पढ़ते हैं अपन, तो इसमें ज्यादा हो रहा है वो चीज, तो उसके कारण से आज हम 124th रैंक पे आ गए।
अगर हम इस चीज को कंट्रोल कर लें, मोबाइल का जो डाटा है उसको कम कर दें, ठीक है ना, और ये एक कुछ ना कुछ ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि जिसके अंदर सोसाइटी का या कम्युनिटी हॉल जैसे होते थे पहले, ठीक है ना, या कुछ ऐसे फंक्शन जैसे पहले हमारे यहाँ पे जो ग्रुपिंग के लिए हमारे जो फेस्टिवल बनाए जाते हैं वो ग्रुपिंग के लिए थे, जिससे लोग आपस में मिले। लेकिन वो 1000 साल या 2000 साल पहले बने, लेकिन हमने 1000-2000 साल ऐसा कुछ क्रिएट ही नहीं किया जो सोसाइटी के लिए कुछ ग्रुपिंग के लिए हो, जबकि हमारा कल्चर चेंज हो गया है, हमारी सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन हमने कोई भी ऐसी चीज क्रिएट नहीं की जिससे कि लोग आपस में मिल सके। हाँ, सब अपनी अपनी बना लेते हैं, मैं उधर तक भी क्यों जाऊं, पहले पहले ऐसा नहीं होता, पहले पूरे गांव का या एक ही जलती थी, ठीक है ना, हर एक गली में बनती, हमारे यहाँ हमारे जो 20, हाँ ठीक है ना, उसमें जलेगी, ऐसे जलेगी, लेकिन फिर भी लोग 24 जने तो जुड़े। गांव में ठीक है, जैसे हम छोटे थे तब पहले जब टीवी था तो रात को होली होती थी, तो मेरे को अभी भी याद है, तो उस टाइम अब रात को 1 बजे उसका वो होली का दहन का टाइम था, अब 1 बजे तक जगे कैसे, तो हम VCR और टीवी लेके आते थे, यहाँ पे गली में बैठते थे, ठीक है, और खूब मूवी देखते थे, ठीक है ना, होली का जला ली, ये 90 के अंदर 91 की बता रहा हूँ मैं, ठीक है, उस टाइम ये VCR वगैरह आते थे, तो वो 3-4 घंटे बैठते थे लोग साथ में, अब वो चीज नहीं। तो ये जो चीज है ये स्पेशली इंडेक्स को क्रिएट हुई है, स्पेशली हमारे रैंक जो कम ज्यादा हो रही है वो इसी कारण से हो रही है। हर कंट्री के अंदर कल्चर अलग अलग होता है, जैसे जापान है, वहां पे अगर आप छुट्टी लेते हो तो भी उनको फीलिंग है कि हमने छुट्टी कैसे ले ली, ठीक है ना, या कई कंट्री ऐसी होती है जहां पर रूल्स होते हैं, रूल्स क्या बचपन से सिखाया जाता है कि आपको ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ही, ठीक है ना, वहां पे कोई गवर्नमेंट के डर से नहीं काम कर रहे होते वो, जैसे फिनलैंड वगैरह या दूसरी जो कंट्री है वहां पे जैसे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनको बाहर गली के अंदर नहीं छोड़ेंगे, हम तो इधर से उधर देखेंगे ये लगाए छोड़ दी, ठीक है ना, ठीक है ना, और वो चाहे वो घूमती फिरती रहे पूरे टाइम में, अब तो ये हालत है कि उसको डंडा भी नहीं मारते, कोई देख ना ले गाय के डंडा कैसे मार दिया, जब हटाया भी हटाते भी नहीं है, अगर हम हमारे बिक्का गलियों में जाएंगे तो हम बिक्का ने तो पूरा वर्ल्ड में पॉपुलर होगा कि रोड पे अगर गाय मिल गई तो भी नहीं रहे, ठीक है ना, तो किसी भी गली में चला जाओ, ठीक है ना, तो हम उसको ऐसे सीधा क्रॉस करके जाते हैं, वो जो चीजें हैं वो आदत सब कंट्रीज के अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, वहां पे रूल्स हैं कि ये ऐसे हैंडल होगा, ये ऐसे हैंडल होगा उसके हैं, और लोग उसके अंदर पूरी पूरी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा अब साउथ कई कंट्रीज हैं, मैं नाम तो क्या, कई कंट्रीज जैसे स्कूल वेंज आ रही है, तो बच्चा अगर उतर रहा है ना तो यानी कि कोई नेता के लिए रोड नहीं रुकती वो, लेकिन स्कूल बस के लिए बच्चा अगर रुका है तो पिछली पूरी की पूरी रोड होती है ना वो रुक जाती है, बच्चा अगर बस आ गई, स्कूल बस आ गई ना आपके सामने और बच्चा रुक रहा है तो भाई साहब उसको क्रॉस नहीं कर सकते, हम तो यूं करके यूं कट मार के यूं जाते हैं, ठीक है ना, अगर आपने उसको क्रॉस कर दिया ना भाई साहब इतनी बड़ी पेनल्टी है कि आपकी गाड़ी के साथ आप भी बिक जाओगे। दुबई है जो भी कंट्री करते हैं इतना गंदा चलान करते हैं कि वो बाइक के डबल कीमत का होता है, हाँ, इसलिए वहां कोई मारता नहीं, ओवरटेक शांति से बराबर चलते हैं। हाँ, यहाँ भी हमारे यहाँ पे मैं जयपुर जाना होता था, बीच में एक्सीडेंट हुए थे यहाँ पे दिक्कत है जयपुर, तो वहां पर स्पीड 80 की तरह की थी उन्होंने, और वो जो चेक करने वाले वो खड़े थे, तो उस टाइम हुआ था और 3-4 से खड़े थे वहां पे, तो उस टाइम सबका रूल था कि 80 से ऊपर जाओगे और गए आप, ठीक है, भाई साहब मैं उस दिन गया, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जो जिस स्पीड पे जाते हैं, क्योंकि अपन ज्यादा चलाते नहीं थे, लेकिन जैसे मेरे को क्रॉस करती थी पहले गाड़ियां, ठीक है ना, उस दिन मेरे को है ना कोई गाड़ी को नहीं कर रही, मैंने कहा पंगा क्या है, ठीक है, इतनी देर में तो कई गाड़ी क्रॉस कर जाती है, ठीक है ना, मैं समझ नहीं पाया, मैं यहाँ से रतनगढ़ तक पहुंच गया,
ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी की जब एक स्पीड SC है उसकी भी एक स्पीड, तो क्रॉस कैसे करेगा कोई? और मैं सिक्कर तक पहुंच गया था, मेरे को गाड़ी नहीं क्रॉस कर रही, ठीक है ना, और मेरे जो टाइम के अंदर जो डिफरेंसेज आए, वो केवल डिफरेंसेज जो आए वो करीब 15 मिनट का डिफरेंस आया था, उससे ज्यादा मेरा, हाँ उससे ज्यादा डिफरेंस आया नहीं, तो फिर क्यों उड़ते हुए जा रहे हो? ठीक है ना, मजे तो प्लेंटी बढ़ा दो, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ से जा रहा था तो एक गाड़ी स्कॉर्पियो थी पता नहीं, वो मेरे पास ही दबा के जाए निकल गया आगे, ओके ओवर ब्रिज था, मैं ओवर ब्रिज को जैसे क्रॉस करके गया, वो आगे खड़ा था कटवा रहा था, मैं फिर उसे आगे निकल गया, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एरिया जो होता है ना उस हिसाब से, तो हमेशा स्पीड मजे के लिए, तो आपके ट्रेवलिंग के लिए है, वो जाने के लिए है, चलाने के लिए, आने जाने के लिए है। मजा लेना है आपको, अगर इतना शौक है बाइक चलाने का तेज है, खरीदो 20 लाख की मोटरसाइकिल, ठीक है ना, ग्राउंड में जाओ, स्टंट लगाओ, कौन मना करता है, ठीक है ना, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है ना, वहां जाके लगाओ, अच्छी बात है। अब जैसे 20 लाख के कहेंगे तो अपने आप बैठ जाएगा वो, ठीक है, तो 20 लाख का प्लेंटी था उसके, या तो वो खरीद लेगा वो 20 लाख की, या वो जमा करा देगा गवर्नमेंट में, ऐसा कुछ ना कुछ पॉलिसी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स के अपन जो बात कर रहे थे, अपन 24th के ऊपर हैं, ठीक है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है 2024 पब्लिश बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड द पीस IEP, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, हो जाएगा। प्रोवाइड ए कम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ द ग्लोबल पीसफुलनेस एंड द इवेंचुअली द 163 इंडिपेंडेंट स्टेट एंड द टेरिटरी। अब ये 163 के ऊपर है, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर ग्लोबल पीस डिटेरियंस की अगर अपन बात करते हैं, तो अगर अपन देखें तो एवरेज लेवल ऑफ द ग्लोबल पीसफुलनेस डिटेरियेशन है 0.56%, इतना डिक्रीज हुआ है, ठीक है, यानी कि सब अपने इंडिया की बात नहीं है, सभी जगह पे वो सभी जगह इफेक्ट डाले ओवरऑल, ठीक है ना। दिस मार्क्स द 5th कंजर्वेटिव ईयर ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द पीसफुलनेस, ठीक है ना, ओके। कंट्री इम्प्रूवमेंट, जिन्होंने इम्प्रूव किया है वो जो है वो 65 कंट्रीज हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट कर लिया कि कम हो गया वहाँ पे रहना पसंद है, और 97 कंट्रीज है उसमें बढ़ गया, ठीक है ना। GPI इज द मेजर द स्टेट ऑफ द पीस अक्रॉस द 3 key dominant। अब ये 3 चीजों को देखता है, ठीक है, किसके ऊपर बेस करके बना हुआ है, 3 key dominant है। अब सोशल सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी, मैंने पहले कहा ना यही चीजें आई, ऑन गोइंग द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड द मिलिट्री एक्शन। डोमेस्टिक जो अपने घरों के अंदर जो है, ठीक है ना, और ये जैसे मिलिट्राइजेशन हो गया, मिलिट्री राज हो गया कहीं पे, तो जहाँ पे मिलिट्री ज्यादा होगी वहां पे तो पीसफुलनेस तो रहेगी ना। जम्मू कश्मीर में तो पहले से चल रहा है, ठीक है ना, हाँ, किसी कंट्री के अंदर जैसे चेंज हो गया, जैसे अफगानिस्तान में भी चेंज हो गया था, जैसे बांग्लादेश में भी दूसरी ने ले लिया तो मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया, तो मिलिट्री जब कंट्रोल करती है तो पीसफुलनेस बढ़ती है घटती है? हाँ, तो कमी होती है। तेरे पास मिलिट्री का वो ट्रक जाएगा तो भी जगह छोड़ देगा, तो उसके लिए है ना, छोड़ता है ना, उसके आगे स्टंट करके देखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ग्लोबल, अब ये ठीक है ना, ये चीज आपको तीनों पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेगी, हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात अगर करते हैं तो इसके अंदर अपन 63, ठीक है ना, यहाँ पे टॉप पे स्वीडन है, ठीक है ना, इंडिया की रैंक 63 है, स्कोरिंग 55.3 रैंक है, 120 कंट्रीज के अंदर, ठीक, किसके अंदर। लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है वो किससे रिलेटेड, जैसे ये किससे रिलेटेड था, ठीक है ना, तो इतने सारे हैं। अब इसमें टॉप पोजीशन है यूरोपियन एरियाज हैं, ठीक है ना,
तो ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स के अंदर जब, यानी कि जैसे अपन अभी जैसे ईवी वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, सोलर पैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम जैसे अगर बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर कि हम चेंज कर रहे हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर हम 63 भी रैंक करें। तो सबसे ऊपर तो आपके कौन से स्विफ्ट वगैरह हैं, यूरोपियन कंट्री है जहां पर वो सारी सारी चीजें आ चुकी है। अब ये सारा का जो सारा काम है, अब इसके अंदर अपन देखें तो यहाँ पे टॉप कंट्री के अगर ऊपर देखें, ठीक है ना, अब ये जो पूरा का पूरा है कि हाँ कितना CO2 रिलीज हो रहा है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है ना, ये एनर्जी जो कन्वर्जेंस वाली कंडीशंस है, ठीक है ना, ये CO2 कितना कोई कितना छोड़ रहा है। तो हम जो इंडिया के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट के अंदर बात करें तो चाइना और इंडिया के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि थर्ड ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इसमें रह रही है, टू कंट्रीज के अंदर प्ले द क्रिटिकल रोल्स है इसके अंदर। जब हमारी पॉपुलेशन तो ज्यादा है लेकिन हम जो ग्लोबल के हिसाब से जो हमारा CO2 का एमिशन वो कम है क्योंकि हम उतने डेवलप नहीं है ना, बाकी वो ज्यादा कर रही है, ठीक है ना। इस टाइप से ग्लोबल जो है इंडिया ग्लोबल एवरेज जो रूल बनाए गए थे उससे बड़ा ही है, कम होने की जगह पे, लेकिन कुछ कंट्रीज ने उसको कम कर लिया जो पहले ज्यादा थे, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया अगर हम बात करें तो WEF कहता है, अब देखो इसके अंदर इंडिया पर कैपिटल एमिशन है 1.7 टन CO2। अभी डाटा आना नहीं है, मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। आर द ऑलरेडी 60% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज 4.4 टन CO2। 60% हमारा कम है, ठीक है, लेकिन इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है ना। अब उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने ईवी व्हीकल्स वगैरह स्टार्ट कर दिए। जैसे अभी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो नॉर्वे वगैरह के अंदर तो 93% ईवी है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, तो अपने इंडिया के अंदर भी 2027 में मोटरसाइकिल बंद हो जाएंगे, ईवी आएगा, ठीक है ना, या उससे थोड़ी आगे, पहले तो 27 था, अब हो सकता है कि आगे कर दें, लेकिन आने वाले टाइम में मोटरसाइकिल जो है वो ईवी वाले ही रहेंगे। जैसे अभी नया दूसरी कंट्रीज के अंदर तो ये फैसिलिटी आ गई, इंडिया में भी फैसिलिटीज आ गई, नई आ गई, जिसके अंदर बैटरी चेंज वाला, अभी बैटरी चेंज वाला सिस्टम नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर बैटरी चेंज करने का सिस्टम दे दिया उन्होंने नए स्कूटर्स के अंदर, और उसके अंदर 3 मोटर बैटरीज लगती हैं और वो सोलर से चार्ज होती है, ठीक है ना। तो यानी कि एक बैटरी जो है वो 60-80 किलोमीटर चला देती है, तो 3 बैटरीज अगर लगती हैं तो आपको लगभग 200-250 किलोमीटर चल जाते हो, ठीक है ना। और उसकी जो प्राइस आ रही है वो लगभग 80,000 रुपये आ रही है, और स्पीड उसकी ओके है, ठीक है, करीब 80 की स्पीड पर जा सकते हो बिना भीड़े, ठीक है ना, तो वो भी है, लेकिन स्पीड तो मिनिमम ही रखनी है अपने 50 की होती है, 40-50 की रखी जाती है, तो बस वो रख, तो कितनी स्पीड से चलाता है, 40-50 ऐसा लगा था, चलाता था अभी तो, पहले कितना चला लेता था, नहीं उससे हुआ क्या, कुछ फर्क पड़ा जिंदगी में, मैं एक चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा आप लोगों से, अगर आपने 80 की स्पीड पे बाइक चलाई उससे क्या जिंदगी में तुमने जितने मिनट बचाए थे या सेकंड्स बचाए थे उसको कितना यूटिलाइज किया, तो वो चीज है। अब यहाँ पर अपन आगे देखते हैं, ठीक है ना, तो इंडिया की रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के साथ, ठीक है ना, व्हाट इज द इंडियन रैंक द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से अपन देखते हैं, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू June 11 के अंदर 2004 के अंदर 129th रैंक के ऊपर अपन हैं, जेंडर रिपोर्ट के गैप के अंदर भी अपन पोजीशन अपनी बहुत पीछे, गैपिंग तो बहुत ज्यादा ही है,
ठीक है, मेल एंड फीमेल के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो काफी है। हाँ पहले के मुकाबले थोड़ा सा फर्क हुआ कि अब पहले घूंघट में रहते थे, अब घूंघट नहीं है, ठीक है ना, बाकी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर इम्प्रूव करना वैसे तो मुश्किल ही है चीज में, क्योंकि दूसरी भी कंट्री अपना और ज्यादा बढ़िया करेगी। हाँ नहीं, जैसे अगर आप अब क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, जैसे कि गैप के जब हम मेल एंड फीमेल के गैप की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में पहले जब हम छोटे थे तो हमको ऐसा लगता था कि फॉरेनर के अंदर ज्यादा एडवांस हैं लेडीज वगैरह, ठीक है, लेकिन अगर हम कहीं के अगर डिप्लोमा एरिया के अंदर देखते हैं कहीं के, तो वहां पे भी ऐसा कोई फीमेल्स का पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा रोल नहीं है। और ये जो डिफरेंसेज आए हैं जो अभी मेल फीमेल जो डेवलप हुई हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ यूरोपियन कंट्री से हुआ, ठीक है ना, फीमेल्स का, तो उसका कारण बता सकते हो कि क्यों हुआ? मेल एंड फीमेल के अंदर जो गैप तो था ही पहले से, जैसे मेल काम ज्यादा कर रहा, काम का मतलब नहीं है कि डोमिनेंसी ज्यादा थी, फीमेल की कम थी, ठीक है ना, और यानी कि सब चीजों के अंदर बैक रखा, यानी कि उसको दबा के रख रहे हैं फीमेल। लेकिन यूरोपियन कंट्री के अंदर चेंजेज आए कि वो काम करने लगी, बाहर जाके काम करने लगी, और उस एरिया के अंदर वो अपनी डोमिनेंसी रखने लगी, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नौकरी हो किसी के अंदर, तो उसके अंदर वहां पे वर्किंग लेडीज ज्यादा थी। अभी अपने इंडिया में भी अभी काफी हैं, ठीक है ना, तो उसका क्या कारण रहा कि वहां पे ज्यादा ग्रोथ हुई, या पहले से थी वहां पे, ये बताओ मेरे को कि पहले से थी या है ऐसे, कब से, पुराने टाइम से, जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर मैंने देखा है कि उनके ये रूल होता था अगर किसी राजा के बेटा नहीं है तो फीमेल को वो दे देते थे। अपने भी था, ये तो अपने भी नहीं, मतलब वो औरत जो है वो राज करेगी, हाँ हाँ अपने भी था, बहुत नहीं पता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत नहीं सर, पुराने टाइम से उनको वर्किंग में साथ रखते थे, मेंटलिटी थी उनकी, बता भैया ऐसे गो जीरो हो जाता है ना। हाँ सोच के बता, सोचना इतना कोई, अपन को रिसर्च पेपर तो ना लिखना, ठीक है ना, वो मानते थे ब्रेन अच्छा है कम्युनिकेशन। हाँ भाई जैसे तुम्हारे दिमाग में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये रहता है यूरोपियन या जो जो भी दूसरी कंट्री है, ठीक है ना, जो डेवलप कंट्री है, वहां की लेडीज काफी डेवलप है, अपनी फाइट करना जानती है, ऐसे वाला सिस्टम लाइक नहीं, वो जैसे फाइट मान ले पीस एंड कम्युनिकेशन के लिए, कैसे भी कैसे भी किसी भी टाइप से ऑफेंड नहीं होना हर चीज, मैं मेल एंड फीमेल की बात कर रहा हूँ कि उनमें दोनों में इक्विलिटी है, है कब से है, किस चीज की, सभी के ऊपर, सभी कब से है, कब से है, क्यों है, मैं ये कह रहा हूँ जेंडर, अपन जेंडर की बात ना गैप की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल व्यू है कि वो पहले से स्टार्टिंग लाइक ऐसे, हाँ 90s से ही, कारण 90 से क्यों, मॉडर्नाइजेशन तो उनका तो बहुत पहले, आप पहले तो राज वही करते थे, ठीक है ना, मुगल्स ने खराब का कैसे कह सकता है, तो क्या राजपूत नहीं, जैसे अगर हम राजपूत अगर अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेरे को ज्यादा वैसे हिस्ट्री नहीं है, मैं बायो का हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे नहीं जो आपने सुना या उसके हिसाब से आपने बात की, हाँ सुनने के बाद हिसाब से की, ठीक है ना भाई, क्या ये जो चीजें थी जो इक्वलिटी वाली बात करते हैं, तो जहां पे मुगल नहीं था वहां पे क्या इक्वल थे क्या मेल एंड फीमेल, नहीं था, तो आप उसके लिए तो कह नहीं सकते, हाँ ठीक है ना, अपने तो यहाँ पे बहुत ज्यादा था, उनके तो फिर भी वो सती प्रथा वाले चीजें तो मोमडन में तो है भी नहीं, ठीक है ना, हाँ अच्छा था, वो मानते थे कि एजुकेशन मिला अपने साथ
उनका एजुकेशन अच्छा हुआ, वो तो उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम जो है वो तो उन्होंने तैयार करके दिया अपन को, तो उनका पहले से था साथ में पढ़ी। अब चलो इस बात पे अपन पॉइंट दे रख देता हूँ मैं, ठीक है ना। स्पेशली ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है ना, तो उसके अंदर मेल्स अभी भी जैसे यूक्रेन के अंदर जो थे कि हर फैमिली से इतने आज जेंट्स को जाना है, तो डेथ बहुत ज्यादा हुई, तो फीमेल रह गई घर पे, बच गई, अब घर चलाना है। तो जब वो जैसे और सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो पहले में तो इफेक्ट आया कि डेथ ज्यादा हुई, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में एक डिजीज टाइम भी आया, जैसे भी कोविड का आया वैसे आया, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार भी जल्दी स्टार्ट हो गया 1930 कितने में हो रहा था, 39 में स्टार्ट हो गया था मेरे हिसाब से, ठीक है ना, तो उस टाइम स्टार्ट हो गया और वो 19 में तो क्लोज हुआ ही था, ठीक है ना, फर्स्ट वाला। तो ईयर्स 20 ईयर का डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, 20 ईयर्स के अंदर जनरेशन बनती नहीं है, एक एक जनरेशन ही आ रही है, तो एक जनरेशन पहले खत्म हुई है, दूसरी जनरेशन आई, तो वहां पर जो मेल था वो कम हो गया, फीमेल ज्यादा हो गई, तो फीमेल को ऑटोमेटिकली बाहर निकलना पड़ा, ठीक है ना। तो जब वो बाहर निकला तो वो उनको फिर वो एज ए परमिशन सी, उससे पहले नहीं था, पहले जैसे अपने इंडिया के अंदर था, ठीक है उनका एक पहने का और वो है, लेकिन जैसे जो रीति रिवाज है या जो कंट्रोलिंग है वो उनमें भी ज्यादा ही थी। लेकिन वर्ल्ड वार जब हुआ उसके बाद में चेंजेस हुए कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है, उसके कारण से वो चेंज। तो अभी भी हमारा और उनके जो बीच का जो टाइम पीरियड है, जो डिफरेंसेस जो चल, उससे पहले जितने ये है ना एजुकेशन, वहां पे कोई एजुकेशन की परमिशन थोड़ी ना थी, वो उन्होंने जब कहा कि जो हमें एजुकेशन चाहिए, ठीक है, तो उनको परमिशन, उसके बाद में वहां पे जब वो पास हुआ बिल, फिर हमारे यहाँ पे पास हुआ कि जो भी वहां पे तो पास हो गया, ऐसे हुआ है हमारे, ठीक है ना। तो मुश्किल से आप अगर हम 90s के अंदर जाते हैं तो हम 100 साल का ही तो हुआ है डेवलपमेंट स्टार्ट, और हमारे इंडिया के अंदर जो हुआ वो उसके बाद से स्टार्ट हुआ, तो हमको डेवलप होते हुए तो अभी 50-40 साल भी नहीं हुए, और तुम ये सोचो कि बिल्कुल एकदम से इक्वल हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने कहा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे ऐसा एक लाइन डाल दी गई, ठीक है ना। अब जैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ ना लेडीज के लिए, तो हमेशा एक चीज कहता हूँ कि लेडीज को तो अम्बेडकर के पैर छूने चाहिए, क्योंकि उसने उस लेडीज को इतना पावर दे दिया, ठीक है ना। आज जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के कारण से, ठीक है ना, वो सारे पावर जो मिले वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिल गए, उसने जो जो चीजें जहां जहां पढ़ी थी ये चीजें वो सारी फीमेल्स को दे दी उन्होंने, और उसके कहां से आज चेंजेस आ गए, ठीक है ना। तो चीजें ये थी, तो वो ऐसा कोई ज्यादा नहीं, आज जो हम जो ग्रोथ कर रहे हैं तो हम थोड़े से तो पीछे चलते हैं, हम 20-21 साल पीछे चल रहे हैं, जो आज हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उन्होंने 20 साल पहले ले ली। देखिए अब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो लगभग हम थोड़ा सा टाइम पीरियड से, लेकिन एजुकेशन और उस मामले में हम अभी पीछे हैं, ठीक है। जैसे आप अगर आप अभी अपने उसके अंदर पेटेंट के तौर पर देखोगे, चाइना क्रॉस कर गया, टॉप पे चला गया, जहां पे रिसर्च होगी वो आगे ग्रोथ कर जाएगा, सीधी सी बात होती है। तो कोई नई चीज को क्रिएट करता है ना कोई, और वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है, वो कंट्री डेवलप हो जाती है। जैसे यूरोपियन कंट्री थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यहाँ पे, यानी कि लोहे से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, फैक्ट्रीज बनी, पहले फैक्ट्री वगैरह नहीं थी, तो वहां पर फैक्ट्री जो बनी, ठीक है ना, जो ओर वगैरह थे, यानी प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुए, फैक्ट्रीज लगी, उससे वो डेवलप हुआ, अलग से कोई डेवलप, वहां पे तो गेहूं ही नहीं उगती, वहां पे तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका रास्ता निकाला और इंडस्ट्री डेवलप हुई वहां पे, जैसे इंडस्ट्री डेवलप हुई उनका अकाउंट आ गया। हम तो समोसा कचोरी में चित हो जाते हैं। तो हमको हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज करना आना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज हमारे पास बहुत अच्छी, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते ऐसे। अब जैसे लिथियम है, लिथियम जहां पे जा उसने उसको यूज किया और लिथियम की बैटरी बना दी, हम भी ऐसा कोई प्रोडक्ट जो हमारे पास होता, ठीक है ना, उससे हम कुछ क्रिएट कर सकते थे। दुबला क्यों हो गया यार, ठीक है ना, फोकस चला गया।
क्या हुआ? वो क्लोज नहीं, उसमें वो तो क्लोज नहीं कर रहा था। कर दूं क्या? वैसे तब तो क्लास ऑफ ही करेंगे बस भाई। ठीक है ना। तो ये है स्पेशल। अब इसके अंदर जो हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर बात करते हैं, तो 146 कंट्री के अंदर हमारा जो 68.5.1% पॉइंट जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है ईयर के हिसाब से। ओनली इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, पूरे पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। एट द करंट पी क्या पेस द विल टेक द अनदर द 135 ईयर टू अचीव द फुल जेंडर इक्वलिटी के लिए हम लगभग 134 ईयर लगेंगे। अगर तुम सोचो कि 10 साल के अंदर ओके हो जाएगा, ऐसा गैप गैप आ जाएगा। ठीक है। हाँ, जनरेशन नहीं, तुम तो पहले में चित हो जाओगे। ठीक है ना। तुम तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही ये क्या हो गया। ठीक है ना। जैसे हमारे दादा हो गए, ये क्या हो गया, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा होना चाहिए था। तो वो एक जनरेशन में आएगा। ठीक है। पोजीशन चेंज हो जाएंगे अभी। ठीक है ना। तो थोड़े दिनों बाद में, तो जैसे अभी मेल के फीमेल पोस्ट कहाँ घूमने जाना है। ठीक है ना। अभी जैसे थोड़े दिन, जैसे 33% का वो एक चुटकुला सा आता है ना, उसमें 33% फीमेल को मिल गया। ठीक है ना। तो 50% आ रहा है। ठीक है ना। 50% मिल गया, तो 50% मिल जाएगा। तो टीम जो सीटें थी वो किसकी थी, या मेल कर रहा था वहां पे, कहाँ किसकी थी तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वो जो सीटें पे मेल जाता था पहले, अब फीमेल चले जाए, तो फीमेल की जगह जहां पे थी वहां मेल पहुंच जाएगा, 50% घर बैठ जाएगा। फिर मेल पूछेगा, मैडम आप आज आपकी घूमने कहाँ लेके जा रहे हो। ठीक है ना। ये कंडीशंस आएंगे ऐसे। ठीक है ना। सरकारी नहीं, आज भी है यही होता है। नौकरी तो स्किल डेवलप कर, बढ़िया खाना बनाना ठीक है। सीखो। नहीं, आज के टाइम में सभी बच्चों को आता है। आज के टाइम में पहले जैसे स्किल नहीं था। ठीक है ना। आज के जो बच्चे हैं उनको, लड़के जो हैं उनको खाना बनाना वो उनको सिखाया जाता है कि बेटा तीर ले, कभी भी काम आ जाएगा। कभी सिखा हाँ। दिया था पापा ने। नहीं, वो तो तुमको इसलिए सिखाया था कि कहीं बाहर जाओगे तो रोटी बनानी पड़ेगी, तो बस बनाओ। बस ठीक है। वही उस चक्कर में। हाँ, ठीक है ना। तो वो तो तुमको डराने, नहीं डरो इसलिए कहा था, कभी तो बनानी पड़ सकती है इसलिए। ठीक है ना। मैरिज के बाद बनाई नहीं हो। ठीक है ना। अब अपन जो बात कर रहे हैं तो ठीक है ना। अब इसमें टॉप 10 जो है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है। ठीक है। ये सारी जर्मनी, नीबिया, आयरलैंड, स्पेन, इनके अंदर जो इक्वलिटी का रेशो जाएगा अपन बहुत अच्छे हैं। फिनलैंड और यूजुअली वे टॉप पे तो नाम तो एजुकेट सब है ना, डेवलप कैसे कंट्रीज हैं। ठीक है। इन्हीं यही रहेंगे, क्योंकि डेवलप क्यों है, अब इस पे बात कर लो। किसका क्वालिटी? यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल है, पॉपुलेशन जितना रिसोर्सेज है उतनी ही पॉपुलेशन है। अपने पास रिसोर्सेज तो थोड़े से हैं, मैंने कहा ना अभी भीड़ दिखाई थी ना, अपने पास उतनी तो है, उसके अंदर भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। ठीक खपतवार खपत है। करते ऐसे वहां का बंदा बाहर नहीं जाएगा, यहां से अपन चाहेंगे कि नॉर्वे पहुंच जाए, नॉर्वे लगा घुसना नहीं है। ठीक है। ऐसे हाँ, सौ सीट है तो सोचने हमें देखो। नौकरी करनी कर ले, 5 साल का वीजा देंगे, नौकरी कर और जा, रूल्स हैं। तो ठीक है ना। हाँ, तो अपने ठीक है, 64 जेंडर पॉपुलेशन के अंदर अपन बात करते थे, और इंडिया के अंदर अगर अपन देखते हैं फीमेल एंड मेल की हेड ऑफ द स्टेट के हिसाब से अगर देखते हैं, तो फॉर द लास्ट 50 ईयर तो इंडिया रैंक 10 नंबर पे आता है। ठीक है ना। हमने काफी इम्प्रूवमेंट किया है स्टेट ऑफ हेड के हिसाब से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे हैं हेड ऑफ स्टेट, उसके हिसाब से भी 10 रैंक पे आते हैं। उसमें तो अपनी कंडीशन ओके है। अब बाकी कंट्रियों की बात नहीं है कि सूडान सबसे नीचे है,
ठीक है ना, जहां पे जैसे जितनी अब इन सबको अगर अपन देखते हैं तो जहां पर एजुकेशन है, ठीक है ना, जहां पे एजुकेशन ज्यादा है वहां पर, हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, हमारे एक सीधे से पहले समझ लेना ज्ञान की बात है, ठीक है ना, बार बार नहीं देता, हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, हमारे पे लिटरेसी है, अक्षर यहाँ कैप और कबूतर ही है यहाँ पे, ठीक है, ए फॉर एप्पल ही है यहाँ पे, ठीक है ना, तो लिटरेसी है यहाँ पे, एजुकेशन नहीं है यहाँ पे। तो तुम कभी ऐसे सोचो कि बहुत पढ़ा हुआ इंसान है तो वो उसको नॉलेज होगा, गलत बात, वो पढ़ा नौकरी के लिए था, अगर नौकरी हटा दी जाए ना एजुकेशन से तो यहाँ पे सारे पढ़ने बंद हो जाएंगे, समझे ना। अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे नौकरी का सिस्टम हटा दो कि एजुकेशन का नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, तुम पहली क्लास वाला भी अगर 25 साल का हो गया तो आईएएस का पेपर दे सकता है, क्लियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं कहूँ साहब पढ़ना बंद कर देंगे लोग, और पहली क्लास से घर वाले बिठा लेंगे, जैसे नहीं होते थे वहीं बिठा लेंगे, और आईएएस बनना अपन को, स्कूल बंद जाएंगे, अपन को तो नौकरी निकालनी है, ठीक है ना। ऐसे तो ये जो सिस्टम है ये गलत है हमारा, ऐसे एजुकेशन को आप नौकरी के साथ में जोड़ तो, लेकिन इतना मत जोड़ो, उसके साथ में एक्टिविटी को जोड़ो, ठीक है ना। जैसे आप आपका जो नेचर है, ठीक है, जैसे किसी ने फॉल्ट कर दिया, फॉल्ट का मतलब है स्कूल के अंदर रैंक, स्कूल वालों को भी कंट्रोल होना चाहिए कि आप नंबर कैसे 40 में 40 दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे कैसे आ सकता है, ठीक है ना। ये सीबीएसई वाले हैं, ठीक है ना, 10th के अंदर या 12th के अंदर, अरे यार हिंदी के अंदर 10 में से 10 कभी आए हैं क्या, बिंदी किस बिंदी के, बिंदी बोलता है बच्चा, ठीक है ना, बिंदी में तो लगती है जीरो यार, ठीक है ना, पूरे 100 में 100 आ रहे हैं बच्चे के, ऐसे कैसे आ सकते हैं, यानी वो देख ही नहीं रहे, ठीक है ना। ऐसे नंबर बांटने के लिए आप उस सिस्टम को खराब कर रहे हो, मास्टर की नहीं, मास्टर तो नंबर कम आते हैं उसके बाद वो लग जाती है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, वो सब कुछ पंगे रहते हैं, तो इसलिए वो नंबर देता है बच्चे को, पास करता है, वो भी एक है, ठीक है ना, वो मास्टर को तो तुमने पैक कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल मास्टर को तो पैक कर दिया तुमने, ठीक है ना, और उससे ये कहते हो कि तुम यहाँ इस पिंजरे में बंद हो, अब तो दहाड़ के दिखा, बच्चा बिना डरे पढ़ता है क्या, उसको तो पैक कर दिया उन्होंने, हाथ नहीं लगाना उसको, ये नहीं बोलना उसको, वो नहीं बोलना, जो गलत टीचर है उनके ऊपर एक्शन लो, फटाफट उसको टर्मिनेट करो, खत्म काम करो, बहुत पीछे भीड़ बैठी है हमारे आने वाले, सही कर रहा उसको, जो नौकरी नहीं कर रहा सही ढंग से, भाई चाहे किसी भी ऑफिस हो, चाहे बाबू हो, कलर को, कोई भी हो, अरे यार इतनी बेरोजगारी हो रखी है, जो काम नहीं कर रहा, 3 दिन देखो 10 बजे नहीं आ रहा है बंदा, उस पर कार्रवाई करो और दूसरे को बुलाओ ना यार, अभी तो सर रूल कर गए, अरे वो तो मैं कह रहा हूँ ना, वो फेल नहीं, मैं तो इसकी बता नौकरियों के लिए बात कर रहा हूँ, अरे भाई जो काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, चार्जशीट पकड़ाओ, 3 बार नहीं आया, सबके लगा दो डिजिटल वाली, ठीक है ना, ऑनलाइन ले लो सारे, डिजिटल भी छोड़ो अब तो ऑनलाइन होगी सबकी, ठीक है ना, कहाँ प्रेजेंट हो आप, 10 बजे आपको ऑफिस की सीट से अटेंडेंस लगानी है, सॉफ्टवेयर है बहुत सारे, वो वहीं से ही लगेगी अटेंडेंस, नहीं तो लगेगी नहीं, माइका लाली नहीं है लगाते वो, ऐसे बहुत सी चीजें हैं उनको यूज ही नहीं करते, और जो बंदा 3-5 साल ही आया, ये 5 दिन नहीं आ रहा, 10 दिन ही है, कार्रवाई करो, यहाँ पे 10-10 साल लोग गायब हैं, वो जो उन लोगों को गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, तो बेरोजगारी तो इसलिए बढ़ रही है ना, तो जिनको जरूरत है वो तो साइड में बिठा रखा है, जिनको जरूरत नहीं है उनको आपने लगा रखा है, सीधा सा थ्योरी है, और इस पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि बच्चा जो है उसको लेना देना नहीं है। आज जो मैंने तुम्हें कहा है तुमने सोचा ही नहीं, तुमने सोचा क्या, तुमने नहीं सोचा कि जो नौकरी लगा हुआ है, जो काम नहीं कर रहा, उसको हटवाने के लिए एप्लीकेशन डालो ना, सुप्रीम कोर्ट में डाल दो कि साहब हमें नौकरी इनके कारण से नहीं मिल, जब ये काम नहीं कर रहा, मैं काम करने को तैयार हूं, इसके आधी रेट में आ जाओ, बारिन करनी आनी चाहिए ना, भाई साहब उसको 1 लाख दे रहे हो, मैं 50,000 में काम करूंगा, आ जाओ।
और वो आ नहीं रहा है, मैं इतने बजे से इतने बजे आऊंगा, खत्म बात, ठीक है ना? क्यों नहीं, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी हाथों हाथों। अरे वो तो देख लिया ना, वो तो सभी जगह बेटा, यहाँ पे ऑफिस में चला जाए कहीं कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना? तो ये एक सॉल्यूशन है उस चीज का, ठीक है, कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म, एम्प्लॉयमेंट नौकरी तो हर बच्चे को देनी पड़ेगी ना आपको, और जो काम कर रहा तो उसको दूसरा काम दे दो, उसके पास ज्यादा काम है इसलिए तो नौकरी नहीं कर रहा ना, हाँ तो उसको वो दे दो, तो बेटा तू ये कर ले तो दूसरे को लगा दो, ऐसे हो सकता है, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो ये जो चीज है, ये आज अपन कल करते हैं ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म वाला इंडेक्स। तो इस टाइप से जब अपन जीके पढ़ते हैं ना, तो जीके के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट पे बात करो, डिस्कशन करो, जीडी जो होती है ना ग्रुप डिस्कशन, वो यही होता है, उसके ऊपर आपका पूरा पकड़ होनी चाहिए। हाँ इंडेक्स पे होता है, तो ये अब जैसे अगर आप तुम ये पढ़ोगे, ठीक है ना, तो अब ये जो जितने रैंक्स वगैरह हैं, तो ये रैंक्स किसके हिसाब से आ रही है, उसी हिसाब से आ रही है। हाँ तो उसी हिसाब से आपको याद रखना। तो हमारी जो क्लास है, अब मैं अपन जो ऑनलाइन पे देख रहे हैं उनके लिए अपन बात कर लेते हैं, हमारी क्लास ये जो है ऑफलाइन क्लास है स्पेशली, उसी को हम ऑनलाइन करते हैं, और इसके अंदर हम बेसिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, केवल थ्योरेटिकल बात नहीं करते, उसके ऊपर डिस्कशन करते हुए बातचीत करते हैं, और एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि उसका रीजन क्या है, क्या कारण है। तो इसी टाइप से हमारी क्लास चलती है, तो आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप हमसे सीधा कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप हमें, हम लिंक दे देंगे आपको, आप अगर लिंक करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज डाल दीजिए, मैसेज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मोबाइल नंबर है उस पर आप मैसेज डाल देंगे तो हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, उससे आप हमसे फेस टू फेस हमारी क्लास के साथ में जुड़ जाएंगे, और केवल चैट बॉक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे पूरी तरह क्लास के हिसाब से आपकी पूरी तरह से डिस्कशन करते हुए बातचीत होती है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।